नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टेट ट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम ट्रिक के माध्यम से सभी थ्योरीज को यहाँ पे कवर कराते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम थ्योरी जो पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम टाइप अप्रोच को कवर कर रहे हैं। टाइप अप्रोच के अंदर हम भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हिपोक्रेट्स, क्रेस्मर और सेल्डन की थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। उन सभी के टाइप को हमने ट्रिक के माध्यम से, एक छोटी स्टोरी के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर लिया है, और उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से सोल्व कर दोगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो तीनों थ्योरीज नहीं देखी है तो उन तीनों थ्योरी का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उन तीनों थ्योरीज को देख सकते हो। सो अभी टाइप अप्रोच के अंदर ये लास्ट थ्योरी है, जो कि है कार्ल गुस्ताव जंग की, जिसने दो टाइप दिए थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इसको भी हम बहुत ही अच्छी एक स्टोरी के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से कह सकते हैं, इसको याद कर लेंगे, इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो थ्योरी जो पर्सनैलिटी के अंदर, टाइप अप्रोच के अंदर, जो हमारी जो लास्ट थ्योरी है, जो कि कार्ल गुस्ताव जंग ने दी थी, ठीक है, कार्ल गुस्ताव जंग ने दी थी। उसके दो टाइप थे, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, जंग को किससे रिलेट कर लेंगे, जंग से। जंग को किससे रिलेट कर लेंगे फ्रेंड्स, जंग से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। और कई लोग इसको युंग भी बोलते हैं, जो युंग बोलते हैं वो इसको युद्ध से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से ये हो जाएगा। अब देखो, जंग हो या फिर युद्ध हो, उसमें दो टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अंदर बैठकर ही सिर्फ मजे लेना जानते हो, मतलब जो युद्ध के लिए, जंग के लिए जाना नहीं चाहते हो, बाहर नहीं जाना चाहते हो, वो अंदर ही रहना चाहते हो, ठीक है। तो जो इन इन मीन्स जो अंदर ही रहना चाहते हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे उस टाइप के लोग होते हैं जो बाहर जाके जंग लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ईएक्स, जो ईएक्स है ना, यहाँ से इसको एग्जिट से आप रिलेट कर लेंगे, जो एग्जिट करके बाहर जाके क्या करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपके पास कार्ल गुस्ताव जंग, जंग को जंग से रिलेट कर लेंगे, और जंग में दो प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अंदर ही बैठना चाहते हैं, जो लड़ना नहीं चाहते, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, और जो बाहर जाके जंग में लड़ना चाहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वॉज नॉट गिवन बाय जंग। जंग के द्वारा कौन सा पर्सनैलिटी का टाइप नहीं दिया गया। देखो, अब जंग को जैसे आप देखोगे, जंग को किससे रिलेट कर लोगे, जंग से रिलेट कर लोगे। जंग में दो प्रकार के लोग होते थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जो ऐसे लोग थे जो सिर्फ अंदर ही रह के मजे लेना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो एग्जिट करके बाहर जाके जंग लड़ना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन वन देखो, इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, तो ये दोनों जो टाइप है। थर्ड ऑप्शन बोथ एंड भी, ये भी सही हो जाएगा। कौन सा टाइप नहीं है, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी द टर्म इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वॉज गिवन बाय। अब इंट्रोवर्ट, जैसे आप इंट्रोवर्ट देखोगे, आई एन इन देखोगे, इन मीन्स अंदर रहकर ही जो मजे लेना चाहते हैं, जो कि वो ऐसे कौन से लोग थे जो युद्ध से, जंग से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे, तो सेल्डन की कहीं बात नहीं हुई, हिपोक्रेट्स की कहीं बात नहीं हुई, क्रेस्मर की बात नहीं हुई, कार्ल गुस्ताव जंग की है बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की जो टर्म है इंट्रोवर्ट, किसके द्वारा दी गई है, कार्ल गुस्ताव जंग के द्वारा। आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, और ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ हमारे जो टाइप अप्रोच है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के, वो खत्म हो गए हैं। आप इन सभी जो चार वीडियो बनी है, इन चारों वीडियो को देख सकते हैं, और आपको अब ये जिंदगी भर हमेशा के लिए याद रहेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक्स से आपको सीडीपी कवर कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।